तो पी एस एल टू हमें क्या क्या रिसर्च किए थे भाई हाइब्रिडेशन में, SP2, SP3, SP3D। अच्छा ऐसा करते हैं, स्ट्रक्चर भी है ना साथ में SP, इसका स्ट्रक्चर SP2, उसका स्ट्रक्चर SP3, SP3D, SP3D2 एंड SP3D3। तो SP में हाइब्रिडेशन कैसा था, स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर कैसा था इसके हाइब्रिडेशन में? लीनियर लीनियर, बीच में सेंट्रल एटम है, बॉन्ड एंगल 180, 180 डिग्री ठीक है ना, लीनियर होगा। तो SP2 में स्ट्रक्चर कैसा था, ट्राइंगुलर या ट्राइगोनल ट्राइंगल प्लेनर, जो अच्छा लगे इसका का। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे, 120, 120, 120, ये भैया वाई टाइप का, ठीक है, साक्षरता वो अलग रहता ना इसका, ऐसा करके। तो बॉन्ड एंगल कितने का था, 120। ये याद रखना पड़ता है। SP3, SP3 में कैसा होता है भैया, कुछ इस टाइप पे, यहाँ से ऐसे एक निकला होगा, यहाँ से एक बॉन्ड निकला होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री। SP3D में पहले ट्राइगोनल, फिर उसके बाद बाई पैरामीटर, कुछ ऐसा था। बॉन्ड एंगल कितना कितना का था, 120 एंड नाइनटी एंड नाइनटी 90। SP3D2 सर में, सर हाँ बेटा सर विवेक अंदर लेने को बोल रहा। ठीक है, SP3D2 में ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, SP3D2 में ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल 90, और SP3D3 में पेंटागोनल पेंटागोनल। बाय पैरामीटर बॉन्ड एंगल 72 एंड 90। ये पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे। तो ये सब किसके अंदर था, हाइब्रिडेशन। मैंने बस हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन बताया था। क्या था हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन, याद करो, डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलो, टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। स्टार्टिंग नहीं बताना चाहिए बट पूरा एक्सप्लेन करना था हमको हाइब्रिडेशन, उसके बाद तुमसे पूछना था हाइब्रिडेशन के पॉस्टुलेट क्या होंगे। तो पहले तो दो तीन पॉस्टुलेट तो डेफिनेशन से बन जाएंगे। क्या होंगे, फर्स्ट पॉस्टुलेट बताओ, किसका मिक्सिंग होता है भाई, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में। पूरे टाइप देख चुके हो सब में, कहीं पे भी इनर शेल पार्टिसिपेट किया है क्या, नहीं, आउटर मोस्ट। जब एटम टकराएंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो नोट करना, फर्स्ट पॉइंट इसी पे बेस्ड है, द इंटर मिक्सिंग ऑफ द इंटर मिक्सिंग ऑफ आउटर मोस्ट सेल एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, द इंटरमिक्सिंग ऑफ आउटर मोस्ट सेल एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, हैविंग, इनका एनर्जी कैसा होता है, ऑलमोस्ट सेम या फिर जरा सा, हैविंग इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। डिफरेंट एनर्जी,
सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा भाई? इंटरमिक्सिंग हुआ आउटर सेल का, सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा भाई? क्या होगा सेकेंड पॉइंट बोलो? जब आपस में ऑर्बिटर टकराएंगे तो उनके बीच क्या होता है? ओवरलैपिंग। ये स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस के दोनों के बीच क्या होगा? ओवरलैपिंग। और क्या फॉर्म होगा भाई? न्यू ऑर्बिटर। न्यू ऑर्बिटर सर, तन्ने भी ले लेते हैं इसमें, तो नोट करना इसमें। सेकेंड पॉइंट नोट करो, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल produced is equal to the number of atomic orbital produced. The board pe dekh lena, the number of hybrid orbitals produced is equal to the number of atomic ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोले बच्चे? सर जो एनर्जी रहेंगी वो एन प्लस एल रूल से निकालेंगे कि उसके लिए अलग, वो अलग नहीं। अरे सब एक ही सेल, अरे सब एक ही ऑर्बिटल में होंगे, मतलब एक ही ऑर्बिट में होंगे, ठीक है ना, निकालने की जरूरत पड़ता ही नहीं है। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड डेट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। थर्ड पॉइंट नोट कर दो, अच्छा हाइब्रिडेशन में ये से एग्जांपल हुआ नहीं है, नोट कर लो। ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? सी आउटर हाफ फील्ड, आउटर सेल नहीं भैया, हाफ फील्ड। वो आउटर सेल के होंगे लेकिन हाफ फील्ड होना ही, ठीक है ना, ये पूछना चाहते हैं। लेकिन हाइब्रिडेशन में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुल फील्ड भी होते हैं, वेकेंट भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड, सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे। बट हाफ फील्ड वाले जो होंगे वो ओवरलैपिंग करेंगे और फॉर्म करेंगे बॉन्ड। बॉन्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? सिर्फ केवल किसका होगा? बॉन्ड बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? फॉर हाफ फील्ड ऑर्बिटल। बट पार्टिसिपेट कौन करते हैं? हाफ फेज, फुल फेज और वेकेंट। तो नोट कर सकते हैं, इन द हाइब्रिडाइजेशन, इन द हाइब्रिडाइजेशन, इन द हाइब्रिडाइजेशन, इन द हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट
बट ओनली हाफ फिल ऑर्बिटल बट ओनली हाफ फिल ऑर्बिटल responsible for formation of bond. Only half fill orbitals responsible for formation of bond. Only half fill orbital सर कोई वेटिंग रूम में है? हाँ बेटा ले रहे हो उसको, तो उसको कॉल आ गया था। कोई नहीं है यार। इन द हाइब्रिडेशन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडेशन हाफ फिल्ड फुल फिल्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट बट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर रिस्पॉन्सिबल for formation of bond. Next, hybridization से जो orbital form होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई? Hybrid orbital और इनका shape और size क्या होता है? आइडेंटिकल तो नोट करना। द न्यूली फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। The newly formed hybrid orbitals are identical in shape and size. यहाँ पे किस चक्कर नोट कर लेना। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है। ये वाला पार्ट जो होगा जो ज्यादा फुला दिखा उसका लार्ज लोब बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं स्मॉल लोब। नोट में बताया हूं भाई। और ये जो नॉट वाला एरिया इसको नॉट। सर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के पहले क्या लिखा है? पिक्चर PIC डॉट। हाइब्रिड ऑर्बिटल नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर ले। द हाइब्रिडाइज द ऑर्बिटल। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना। स्टेप
the hybridized orbital orbitals the hybridized orbital does not participate in the formation of pi bond. The hybridized orbital does not participate in the formation of bond. मतलब pi bond. The hybrid orbital does not participate in the formation of pi bond due to the shape of hybridized orbital. Due to the shape of hybridized orbital. Does not allow tight way overlapping. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता भाई? हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिड साइड पाई बॉन्ड कब बनता है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो ऊपर से तो हो जाएगा, बट ये आपस में टकराएंगे तो ये दोनों टकरा पाएंगे क्या? टकरा पाएंगे क्या बताओ? नहीं नहीं, ये दोनों टकराएंगे, ये दोनों नीचे टकरा पाएंगे क्या? तो इससे यहाँ पे क्या साइड वे overlapping does not allow side wise overlapping allow नहीं होगा. नोट कर लिया? नोट कर लिए? नोट किया कि नहीं? हाँ सर. द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द टाइप of hybridization. The shape of molecules depends on the types of hybridization. Sir, कोई इन करने बोल. हाँ बेटा देख लेते हैं. sp3 d sp3 d2
sp3 d3 एक्सप्लेन कर चुके हैं किसका स्ट्रक्चर क्या होता है और साथ में बॉन्ड एंगल। फर्स्ट में स्ट्रक्चर कैसा होता भाई? लीनियर। सेकंड में ट्राइगोनल प्लेनर। थर्ड में टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होगा भाई? ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, TBP लिख देते हैं शॉर्ट में। ऑक्टाहेड्रल पेंटागोनल बाय पायरामिडल, TBP। और टेट्राहेड्रल को क्या बोलते हैं भाई? TD। कंप्लीट नहीं तुम करना। sp3d में ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 में पेंटागोनल बाय पायरामिडल। नोट कर लो। सिक्स का ग्रेटर इज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, लार्जर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस परसेंटेज is directly proportional to electronegativity of compound. बेटा नोट करते जल्दी से। ग्रेटर इज द एस करेक्टर, ग्रेटर इज द एस करेक्टर, ग्रेटर इज द एस करेक्टर, स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज ऑफ of the smaller is the size of the hybrid orbital. ये सब चीजें याद रखना आपको, ठीक है ना? मतलब order of size बोला जाए, order of size. of hybrid orbital. क्या होगा भाई साइज का ऑर्डर? sp, sp2, sp3 किसका साइज ज्यादा होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल सबका साइज ऐसा आता है, इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा, इसका साइज और बड़ा, ठीक है ना? जितना s परसेंटेज होगा स्मॉलर साइज होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का। एक लास्ट पॉइंट, ग्रेटर इज द एस परसेंटेज, लार्जर इन द लार्जर इज द बॉन्ड एनर्जी। ये सब ये वाला पॉइंट बाद में क्लियर होगा, ठीक है ना? लास्ट वाला एस परसेंटेज ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी हाई। सर बॉन्ड दो दो बार लिखिए, ठीक है? एक बार कट कर दो।
पी कंक्लूजन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस परसेंटेज वाला, लास्ट के तीन पॉइंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इनसे और आ भी चुके हैं। एज परसेंटेज, डायरेक्टिव पर्सनालिटी टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सिव पर्सनालिटी टू साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कंक्लूजन को दिमाग में रखना, ठीक है ना।